गाइस आज हम बात करने वाले हैं ये मारुति की तरफ से इको जो अभी न्यू अपडेट के साथ आ गई है। काफी कुछ इसमें चेंज किया गया है, जैसा कि इसका इंजन चेंज किया गया है और इंटीरियर में काफी कुछ सारे चेंजेस किए गए हैं। तो आज हम उन्हीं सारे चेंजेस के बारे में बताएंगे कि क्या कुछ अपडेट किए गए हैं और प्राइस में भी कुछ बदलाव लाया गया है, तो प्राइस के बारे में भी हम आपको बताएंगे। ये मारुति इको का जो है सबसे बेस मॉडल 7 सीटर मॉडल है। अगर जो आप इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये आपको 5,82,000 एक्सोरूम पड़ जाती है। ऑन रोड की बात करेंगे तो ये आपको तकरीबन 6 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ जाती है 1.2 लीटर 1200 सीसी इंजन के साथ। अगर जो आप इसके फ्रंट में देखेंगे, दिखाते हैं क्या कुछ इसमें चेंज ही किया गया, उसके बाद तो जो डिटेल्ड वीडियो आप देख ही चुके होंगे क्या क्या मिलता है। यहाँ देखेंगे तो फ्रंट में आपको कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलता है, वही सेम है। हाइड्रोजन लाइट वगैरह जो ये बम्पर वगैरह वो सारी चीजें सेम ही है। रियर में आएंगे इसके साइड में, तो साइड में जो ग्राफिक आप देखते होंगे पहले जो गाड़ी आया करते थे उसमें स्टिकर मिलते थे, पर आप इसमें स्टिकर हटा दिए गए हैं। अगर जो देखा जाए तो इस सिंपल साधारण लुक में काफी बेहतरीन लग रही है। 13 इंच के आपको स्टील रिम मिल जाते हैं, आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाते हैं, फेंडर पे इंडिकेटर्स और सारी चीजें सेम है, कुछ भी नहीं चेंज किया गया है। अगर जो रियर की बात करेंगे तो रियर से कुछ ऐसा लुक है, वही सारी चीजें हैं, कुछ एक्स्ट्रा वगैरह नहीं लगाया गया है। 2 पॉइंट आपको अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, ये हो गया सुजुकी का लोगो, इको लिखा गया है, 2 पॉइंट अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर। चलिए इसके इंटीरियर में देखेंगे क्या कुछ चेंज किया गया है। तो सबसे पहले इसका इंजन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका इंजन सबसे पहले चेंज किया गया है, जो कि 1200 सीसी का पहले ही आता था, इस बार भी 1200 सीसी का है, पर जो फ्यूल एफिशिएंसी है माइलेज को बढ़ा दिया गया है। अब इसमें आपको 20 की माइलेज देखने को मिलेगी। और यहाँ देखेंगे तो ये एस्प्रेसो वाला इसमें हैंडल बार लगा दिया गया है, एस्प्रेसो वाला ही MID लगा दिया गया है, जो कि थोड़ा और आप बेहतरीन फील कर सकते हैं। अब देखिए 2022 जिस हिसाब से चल रहा है फीचर मॉडल सेफ्टी को देखते हुए, मारुति में ये जो इको है इसमें अपडेट और न्यू फीचर आना जरूरी था। तो देख सकते हैं ऐसी कुछ MID मिल जाती है जिसमें आपको ट्रिप वगैरह जो सेट करनी हो आप यहीं से सारी चीजें आप सेट कर सकते हैं। ये हो गया लाइट वगैरह के ऑन करने का ऑप्शन, ये हो गए वाइपर्स के कंट्रोल्स, ऐसा कुछ आपको स्टीयरिंग भी चेंज देखने को मिल जाता है। आप जब स्टीयरिंग को पकड़ेंगे तो हाँ जरूर फील करेंगे कि हाँ आप कुछ अपडेट जरूर कर दिए गए हैं। ये थोड़ा कॉस्मेटिक चेंज किए गए हैं और बाकी सारे सिस्टम वही ऑफर किए गए हैं। 2 एयरबैग मिल जाते हैं, एक ड्राइवर साइड एक आपको को ड्राइवर साइड, और बाकी देखेंगे तो सारे सिस्टम सेम ही है। यहाँ हो गया इंजन के सारे सिस्टम, ये हो गया बैटरी वाला, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, थोड़ा ये जो सेंटर कंसोल है इसका ये भी आपको थोड़ा हल्का चेंज देखने को मिल जा रहा है। पहला थोड़ा ऐसा था, क्या था ऐसा उड़न ऐसा लगता था, पर अब थोड़ा और बेहतरीन लगता है। स्टोरेज दिया गया छोटा मोटा और यहाँ स्टोरेज बढ़ा दिया गया, जैसा कि कॉइन वगैरह सिक्के वगैरह आप रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से। अगर जो आप सीट की कंफर्ट की बात करते हैं तो पहले से मेरे को थोड़ा इम्प्रूवमेंट ज्यादा लग रही है, क्योंकि थोड़ा हाइट और बढ़ा दिया गया है, ऐसा कुछ है, काफी अच्छा खासा डैशबोर्ड है। सीट की बात करेंगे तो सेकंड रो में आपको 2 सीट मिल जाती हैं और इसके जो थर्ड रो है उसमें भी आपको 2 सीट मिल जाती हैं। ये जो रियर डोर है इसे आप स्लाइड करके खोल सकते हैं और आपको काफी अच्छा खासा लेगरूम हेडरूम मिल जाता है। तो ये रहा मारुति का कुछ ऐसे अपडेट्स यही आए थे। और प्राइस की बात करेंगे तो तकरीबन आपको 50 से 45 हजार रुपया प्राइस डिफरेंस देखने को मिल जा रहे हैं।